तो आज मैंने इतनी अद्भुत बात आपको निवेदित की है कि बेटियां, अविवाहित बेटियां शंकर की जलहरी के ऊपर पूजा की सामग्री छोड़ती हैं, चढ़ाती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के बाद नारी संतान को जन्म देने को जा रही है, जो भी चीज़ महादेव के ऊपर चढ़ाए तो उसके नीचे मूल भाग में जरूर छुआए, चाहे वह धूप हो, चाहे बेलपत्र हो, रोली, चंदन, कलावा, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी कोई है, तो उसका जो नीचे का मूल भाग है उस पर स्पर्श जरूर कराए। व्यापार वाणिज्य के लिए घर में बेटे को अच्छी बहू आवे, बिना लड़ाई झगड़ाई करने वाली आवे, तो शिव पिंडी शिवलिंग का जो मध्य का भाग है सामग्री चढ़ाते समय उस पर स्पर्श कराइए। बच्चों से आप पूजा कराते हैं तो जो सामान है वो पिंडी के ऊपर चढ़ाइए। वृद्ध लोग पूजा कर रहे हैं, वह भी अपने मोक्ष के लिए, उद्धार, आत्मकल्याण के लिए पिंडी के ऊपर जरूर उसको स्पर्श करें। तो यह है भगवान महादेव के शिवलिंग पूजन की एक विधि टाइप की मैंने आपके बीच में रखी है, और मुझे लगता है कि शायद यह इतनी बड़ी जानकारी है महादेव के लिए, हो सकता है पहली बार ही सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें मैं आपको बता भी पहली बार ही रहा हूँ। कथाएं तो मैंने पूर्व में भी और भी करी हैं शिव महापुराण की। महादेव मेरी धमनियों में रमते हैं, मेरी बड़ी श्रद्धा है, और उनके प्रति श्रद्धा न होगी तो मैं उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाता। मैं होठ हिला रहा हूँ और मेरे कंठ में बैठ करके भगवान महाकाल पता नहीं क्या क्या बुलवा देते हैं, उनकी कृपा है। बच्चों के लिए, विद्या के लिए और मोक्ष के लिए शंकर का ऊपर का स्थान। वाणिज्य व्यापार, घर में कलह ना करें स्त्रियां, झगड़े ना हो घर में, उसमें मध्य का भाग। निर्माण और अच्छी संतान के लिए शिव पिंडी का नीचे का भाग, और बेटियों के विवाह जीवन के लिए अच्छा घर बर मिले उसके लिए जलहरी का पूजन, जहाँ शिव पिंडी उस पर स्थापित है, नीचे के भाग को जलहरी कहते हैं, वो बेटियां उसका पूजन करें। तो यह महिमा भगवान महादेव की है, अवडरदानी महाशिव, जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कल मैंने आपको निवेदन किया है कौन सी धातु के शंकर जी कितने बड़े ज्यादा अपने आप में प्रभाव रखते हैं। कल आप ये सुने थे, नमः कनकलिंगाय वेदलिंगाय वै नमः, नमः परमलिंगाय व्योमलिंगाय वै नमः। धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शिवलिंग नहीं पूज रहा, आकाश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शिवलिंग नहीं पूज रहा, 14 भुवन में 3 लोकों में ऐसी कोई जगह नहीं है, 3 लोक 14 भुवन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा नहीं है। पाताल में शिव पिंडी पूज रही है, मृत्यु लोक में शिव पिंडी पूज रही है, और ऊपर के लोकों में भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन होता है। लक्ष्मी माता चांदी रजत के शिवलिंग पर पूजा करती है, माता पार्वती स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा करती है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी वो हीरा के शिवलिंग के ऊपर पूजन करती है, और भगवान जो कुबेर हैं वो पार्द के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, यमराज हैं वो लोहे के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान शंकर को न पूजे। लोग कहते हैं कि शंकर पर हल्दी नहीं चढ़ती, और हम ये कहते हैं कि मिट्टी में हल्दी मिला करके यदि आप पूजन करते हैं, भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करते हैं, तो आपके दुकान मकान को कोई उच्चाटन जादू टोना टोटका नहीं कर सकता, खुद मर जाएगा, इतना बड़ा प्रभाव है। हल्दी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनका पूजन होता है, मक्खन के शिवलिंग बनाए जाते हैं, कल आप सुन रहे थे, कनेर के फूल के, दुश्मन परास्त हो जाएगा, कनेर के फूल के शिवलिंग बनाए जाते हैं, यहां तक कि गौ माता के गोबर के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा होती है। बहुत बड़ा विज्ञान है भगवान महादेव की पूजा का, और सत्य यही है जो सर्वाभावी भगवान शिव की शरण में आ जावे उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये सब कथाएं सुनकर अपना इष्ट मत छोड़ना, अपना इष्ट मत बदलना, मेरी प्रार्थना है। मेरे मुंह से जिस कथा को सुनोगे वही बुलंदा ऊंची दिखेगी, नासिक में आपको लगेगा कि रामायण से ऊपर कुछ है ही नहीं,
कथा सुनाऊं शिव महापुराण की और शिव महापुराण का ओरा ना जागे, तो फिर मेरा यहाँ सुनाने से मतलब क्या है। जिस देवता को केंद्र में लेके बैठा हूं तो बिलंदा ऊपर वही होना चाहिए। हम किसी महात्मा के यहां जाएं और हमें माइक दे दिया जाए बोलने के लिए, किसी साधु के कार्यक्रम में हम उस साधु की महिमा सुनाएं जिसने माइक दिया है, तो ज्यादा बढ़िया है कि देश के और तमाम साधुओं का जिक्र करते रहें तो ज्यादा बढ़िया है। अरे जो आयोजन करा रहा है, जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें माइक दिया है, फर्ज तो ये है कि उस साधु का ही बखान करो तो ही ज्यादा बढ़िया है। यहां महाकाल ने बुलाया है, महाकाल की व्यासपीठ है, इसलिए इस व्यासपीठ से महादेव का ही गुणान वादन होगा, गुणगान शंकर का होगा। और शिव पुराण की व्यासपीठ पर बैठकर और हमारे ओरे में महादेव ना बैठे तो फिर उस शिव पुराण का मतलब क्या है उसका। फिर आप शिव पुराण सुन रहे हैं, शंकर को मानिए लेकिन अपने इष्ट को मत बदलिए, नहीं तो बहुत लोग जितनी कथाएं सुनते हैं उतने ही इष्ट बदल लेते हैं। भागवत की कथा सुन लेते हैं तो उनका कृष्ण इष्ट हो जाता है, राम कथा सुनते हैं तो राम जी इष्ट हो जाते हैं, गणेश जी के दिन आते हैं उन दिनों में उनके गणेश जी इष्ट हो जाते हैं, सावन के महीने में उनके महादेव इष्ट हो जाते हैं, और हर मंगलवार को हनुमान उनका इष्ट हो जाते हैं। इष्ट बदला नहीं जाता, इष्ट तो ऐसे है जैसे एक पत्नी के लिए पति, पति के चरणों में उसकी श्रद्धा है, घर के सब लोगों का आदर करती है, सबका मान करती है। और जिस घर की गृहिणी घर में सबका आदर करती है तो उसका पति अपनी पत्नी के ऊपर अति प्रसन्न होता है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जब हम सभी देवताओं का आदर करते हैं तो हमारा इष्ट हमारे ऊपर अति प्रसन्न होता है, उसको जलन नहीं। सबका आदर मान कीजिए, अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखिए। जिसके ऊपर इष्ट की कृपा होती है उसका कोई काम ही नहीं बिगड़ता। किसी भी देवता को हृदय से, दिल दिमाग से बहुत मानिए, समझिए। आप कहते हैं कि किसको इष्ट के रूप में, हमारी तो श्रद्धा सबके प्रति है। आप एक लाख ईश्वर को, परमात्मा को, विविध प्रतिमाओं का पूज रहे हो, उन एक आध लाख में तो भी एक आध देवता ऐसा होगा जो आपको ज्यादा दिमाग में आता है, स्मरण में ज्यादा आता है, ध्यान में ज्यादा आता है, और उससे आपकी ऑटोमेटिक कुछ प्रीति ज्यादा होती है। और जिसके प्रति आपका ज्यादा खिंचाव है वही आपका इष्ट है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी का एक इष्ट हो। जब इन्होंने एक संग जन्म नहीं लिया और मौत भी एक संग नहीं होगी तो ये जरूरी थोड़े ही है कि इष्ट दोनों के एक ही हों, गुरु दोनों के एक ही हों। बेटियों को दीक्षा नहीं दिलाई जाती यह कहकर के विवाह के बाद में फिर पति का कोई और गुरु का और गुरु होगा। तो माता पार्वती विवाह से पूर्व ही नारद से दीक्षा लेती है। एक प्रमाण नहीं है, अनेकानेक प्रमाण है इस बात के लिए। क्या कहा जाएगा कि पति को तो वो गुरु अच्छे लग रहे होंगे और पत्नी को ना लगे, तो फिर इसमें साधक अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसके ऊपर कभी जोर मत दीजिए। मेरी माताएं प्राय अपने पति को जोर देती रहती हैं, चलो दीक्षा के लिए, चलो दीक्षा के लिए, और उसकी श्रद्धा नहीं है बिल्कुल। वो जबरदस्ती से नहीं, इन्हीं से लेनी पड़ेगी, ये हमारे गुरु है। अरे तुम्हारे ही तो गुरु है, उसकी श्रद्धा नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप। यदि वाणी में दम है महात्मा के में तो एक दिन ऐसा होगा वो दौड़ता दौड़ता बिना खींचे तुम्हारे पास खिंचता ही चला आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको जोर लगाने की जरूरत ही नहीं, वो आ जाएगा बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा। और फिर ऐसा आएगा कि फिर जाएगा ही नहीं, और जबरदस्ती से लाओगे तो वो भाग सकता है, और अपनी श्रद्धा से आएगा तो वो टिक जाएगा। सुन रहे हैं आप? तो इष्ट के बारे में भी जोर मंदी, जो जिसको बढ़िया लगता है, भूत प्रेतों को छोड़ छाड़ करके, नहीं तो बहुत लोग तो भूतों की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा। हमारे सनातन के देवता बड़े प्रमुख हैं,
भगवान गणेश हैं, माँ भगवती है, राम हैं, कृष्ण हैं, भगवान महादेव है। महादेव पार्वती कोई भेद कोई अंतर मन समझिए, राधा कृष्ण कोई अंतर मन समझिए, सीताराम कोई अंतर नहीं, राधेश्याम कोई अंतर नहीं, आपके शंकर इष्ट हैं पार्वती को आपको मानना ही पड़ेगा, आपके कृष्ण इष्ट हैं माँ राधा को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राधे राधे जपो तब चले आएंगे बिहारी। जानकी माता को याद करोगे तो राम दौड़ते हुए आएंगे, परम्भा को याद करोगे तो महादेव अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो जीवन में एक इष्ट तो स्वीकार करें। इस लाइन में आप खुल करके आए नहीं हैं, जिस समय आप इस लाइन में बैठ जाएंगे पंक्ति में और इसमें जीवन जीना शुरू कर देंगे, आप ईश्वर के बिना नहीं रह पाएंगे। कौन कहता है कि भगवान की तरफ आने से संसार के काम छूट जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार के काम के समय पर आप दुनिया के काम, संसार के काम कीजिए। दिन रात को मिलाकर के 24 घंटा होता है, 24 घंटे को 6-6 घंटों में बांट दो, 6 घंटा नींद लें, 6 घंटा परिवार और समाज को दें, 6 घंटा भगवान को दें और 6 घंटा व्यापार को दें, बढ़िया जीवन जी लोगे। एक बार फिर बताऊं, 24 में 6-6 घंटे के हिसाब से 4 चरण बन जाएंगे। 6 घंटा नींद सोने के लिए, यदि आप 6 घंटा नहीं सो रहे हैं तो अपने जीवन के साथ दुश्मनी कर रहे हैं आप। 6 घंटा सोना है, हमारे शास्त्रों में सोने का समय 10 बजे से 4 बजे तक का बताया है। जीवन में बीमार नहीं होंगे, एक रुपया दवाई पर नहीं लगेगा। अपने अपने घर वालों को और बच्चों को बता देना जो मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं, वो भारत की धरती पर उनको रहने का अधिकार नहीं है जो 6 घंटा कमाता नहीं है। मैंने इन माताओं को बहुत बार कहा है कि 10 बजे इनको धक्का दे के घर से बाहर करो, का जाओ कमाने को। नीचे दुकान ऊपर मकान जब होता है, ग्राहक वहां खड़ा रहता है और ये पत्नी के सामने चाय का कप लेके बंदा बैठा रहता, वो कहती है जाओ नीचे दुकान पर, भीड़ लगे, वो नहीं जाता। इसलिए नीचे दुकान और ऊपर मकान ये बड़ी सिरदर्दी है। इनको कहो 6 घंटा कमाएं, फालतू का बैठ करके ना खाएं। 6 घंटा मेहनत तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये समझ लो कि 6 घंटे का काम आपके लिए मंदिर है, तो 6 घंटा सोना, 6 घंटा आप नींद को दीजिए, 6 घंटा परिवार को दीजिए। 6 घंटे में माता पिता के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, मित्रों के पास बैठिए और समाज के जो भी कोई काम है, कहीं आना है जाना है, ये सब 6 घंटे में आ जाता है। तो 6 घंटा नींद, 6 घंटा परिवार के लिए और 6 घंटा अर्थ प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए, और 6 घंटा भगवान के लिए। तीर्थ यात्रा वगैरह पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो 6 घंटे में आ जाएगा। 6 घंटा भगवान के लिए पूरे साल का, आप कभी 4 धाम के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो जब उसको कैलकुलेट करोगे तो वो सब 6 घंटे में आ जाएगा। 6 घंटे में भगवान की पूजा कथा, ये सब 6 घंटे में आ जाता है। भगवान की पूजा है, आराधना साधना है, आप भगवान के लिए कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब 6 घंटे में आ जाता है। ये तो एक ऐसा इंडेक्स बन जाए जीवन का कि अपने 24 घंटे को आप 4 भागों में बांट दें। 6 घंटे में नींद पूरी करें, 6 घंटा परिवार को दें, बाजार का सामान सुमून खरीदना ये सब आ जाता है 6 घंटे में। 6 घंटा व्यापार को दें, ऑफिस को दें और 6 घंटा भगवान को दें। परमात्मा आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांग कर रहा है, बस 6 ही घंटा। और इसके अलावा अब काय के लिए टाइम चाहिए मुझे बताओ, फिर मैं और बताता हूँ और किस चीज के लिए टाइम चाहिए आपको। 4 के अलावा अब और क्या ऐसी जरूरत है जिसके लिए आपको टाइम की जरूरत है बताओ मुझे, फिर मैं उसका समाधान करूं। 4 के अलावा कोई 5वां काम ही का है। और आप अपनी लाइफ का एक इंडेक्स बना देते हैं,
हजारों की संख्या में आप YouTube पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लोगों के पास तक पहुंचे। और वो इससे कुछ प्राप्त कर पाए। जिनको कभी 6 घंटे से ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है, जिन्हें 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, 10 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, उन लोगों के लिए चाहिए कि वह थोड़ा थोड़ा वह इधर उधर से निकाल करके थोड़ा पूजा में से टाइम बचा लें और थोड़ा सा परिवार में से टाइम बचा लें, तो उसका वो टाइम पूरा हो जाएगा। ये 24 घंटे को एक इंडेक्स उसका बनाइए। इस तरीके से यदि जीवन जिया जावे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। मैं तो ऐसा ही करता हूं, इसलिए तो ज्यादातर ऐसे मुझे 6 घंटा कथा कहने की आदत है। मुझे 6 घंटा भगवान को, मेरा तो ज्यादा टाइम भगवत कार्यों में ही लगता है। आदमी को अपने निज जीवन के लिए 6 घंटा बताया तो हमारे पास तो अपने लिए तो है नहीं टाइम। बड़े मस्त हैं, आनंद हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, एक जीवन जीने का एक ढंग मिला है। नमः सहस्रलिंगाय वेहनिलिंगाय वै नमः, नमः पुराण लिंगाय श्रुतिलिंगाय वै नमः। ये पुराण ग्रंथ वेद शाब लिंग रूप है, यह सब भगवान शिव में समाहित है, इसलिए परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन हमें और आपको यह मिला है, तो कृपया यह मानवीय जीवन हमारा और आपका अच्छी तरह से निकल जावे तो ही जीवन जीने का एक बढ़िया सा मौका, जिसमें कहा जा सकता है कि हमने अच्छा जीवन जी लिया, ऐसा जीवन जी। संसार तो धोखा देने वाला है। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। यहां सब धोखा दे रहे हैं, पत्नी पति को, पति पत्नी को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, सब यहां धोखेबाज इकट्ठे हुए। यहां धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए जाग मुसाफिर भोर भाई, अब जाग जाओ, भरोसा मत करना इस दुनियादारी का। आइए 2-3 पंक्तियां। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। आइए 2-3 पंक्तियां, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, कुसुम चौहान की पंक्तियां हैं बहन, आइए अच्छा लगेगा। सब उम्र बीती गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। प्रभु ने सुख धन धान दिया, जिस प्रभु ने सुख धन धान दिया, नहीं प्रेम सी उसका नाम लिया, नहीं प्रेम सी उसका नाम लिया। जीवन भर गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा।
पर मैंने न मन का धोया है, हीरा सा जीवन खोया है, पर मैंने न मन का धोया है, ये बीज पाप का बोया है, भगवान न जाने क्या होगा, ये बीज पाप का बोया है, भगवान न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। गवा दिया सब झूठ खपट छल काम किया, सब झूठ छपट छल काम किया, नहीं संत जनों से प्रेम किया, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा, सभी उम्र बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। नहीं अच्छा कोई काम किया, नहीं अच्छा कोई काम किया, तन से जीवन भर पाप किया, तन से जीवन भर पाप किया, मन से प्रभु का नहीं नाम लिया, भगवान न जाने क्या होगा, मन से प्रभु का नहीं नाम लिया, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा, सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा, भगवान न जाने क्या होगा, भगवान न जाने होगा, सब समय बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा, सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा, महादेव
उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। जिस प्रभु ने सुख धन दान दिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया। जीवन भर गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या। जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। ये बात सिर्फ ताली बजा के ही मन निकाल देना, इसके ऊपर बड़ा विचार करना है। पूरा जीवन, आधे से ज्यादा जीवन निकल गया, थोड़ी सी श्वासें रह गई हैं। भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की डूबते हुए हाथी की कथा सुनाई जाती है, और वह बहुत बड़ा संकेत देती है कि जिसको तुम अपना मान रहे हो यह दुनिया बिल्कुल झूठी है, एकदम स्वार्थ से भरी पड़ी है। या कोई किसी का बिल्कुल भी नहीं है, लोग मरघट तक रोते रह जाएंगे, यात्रा अकेली होगी। यहाँ के कर्तव्यों को पूरा किया है, अब अपने उस लोक के लिए भी कुछ सुध ले लीजिएगा। इतनी प्यारी पंक्तियां, सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने क्या होगा। व्यक्ति की मृत्यु होती है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी वेदना होती है। इसलिए आप सब लोगों को मेरी व्यासपीठ का संदेश है, हरि भजन। एक वो भजन है, पंक्तियां हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। यदि जीवन में भगवान का नाम नहीं है तो जिंदगी फिर जी करके करेंगे क्या। मैं तो भगवान को कहता हूं कि अंतिम श्वास तक अपनी सेवा देना, और जब सेवा के लायक ना हो तो फिर हमें यहां से हटा लेना, फिर रहने की जरूरत ही क्या है। सरकारी दफ्तर में आप तब तक ही रहते हैं जब तक आप करने के लायक हैं, और जब आप वहां करने के लायक नहीं हो पाते हैं रिटायरमेंट हो जाते। यदि हम कुछ अच्छा ना कर सके, जीवन व्यर्थ है, बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। इसलिए इस महापुराण के माध्यम से सबको आग्रह पूर्वक निवेदन, अच्छा जीवन जीने की कोशिश ही नहीं, जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना शुरू कर दीजिए। अच्छा सा मंदिर आपने बनाया है, गणेश गोपाल को बिठाया है उसमें, पार्वती महादेव भी बैठे हैं उसमें, हनुमान राम भी बैठे हैं। हमारे और आपके दिन का आरंभ भगवत सत्ता से हो। आपके पास जो है, हमारे पास जो है, वो सब भगवान का है, और हमें उसको ईश्वर का ही मानना चाहिए। हमें उतना ही लेने का अधिकार है जितनी बैंक में गड्डियां आती हैं, मैनेजर उन्हें सुरक्षित करता है, रखता है, अपना काम अपनी तनख्वाह से चलाता है। बैग भर के ले आएगा तो हथकड़ी डल जाएगी, तो यही स्थिति है। परमात्मा की विशेषता देखिए, उसने कहीं ताला नहीं डाला, बिल्कुल सब उसका खुला है। किसी माई के लाल में दम हो तो मरते समय यहां से एक कीला उठा के तो देख ले, उसका विधान देखो, साफ खुला पड़ा है, स्वतंत्र, बिल्कुल खुला है, कहीं उसने ताले नहीं डाले। उसका ऐसा विधान है कि यहां से कुछ नहीं ले जा पाएंगे, लाए नहीं थे तो ले कैसे जाएंगे। इसलिए कहा गया था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा उमजे जगदीश हरे, तेरी चीज तेरे लिए समर्पित है। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन को सुख के साथ नहीं, मनुष्य जीवन को आनंद के साथ जोड़िए।
ऐसा थोड़ी कहा जाता है कि नंद के सुख भयो जय कन्हैया लाल की, ये कहा जाता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान सुख स्वरूप नहीं है, भगवान आनंद स्वरूप है। मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका नाम हो सुख स्वरूप, नहीं, ऐसे बहुत लोग मिले हैं जिनका नाम है आनंद स्वरूप। श्रीमान जी आनंद स्वरूप, अग्रवाल आनंद स्वरूप, शर्मा आनंद स्वरूप, ब्रह्मा बहुत मिले हैं, सुख स्वरूप नहीं मिला। परमात्मा सुख रूप है ही नहीं, भगवान आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है वह। तो वस्तुओं में जो कुछ मिलता है वो तो किंचन मात्र सुख है, और भजन में जो मिलता है वो सुख नहीं, वो आनंद है, आनंद। आइए कुछ विशेष बातें हैं आपके बीच में रखता हुआ और यात्रा को आगे के लिए लेके चल रहा हूं। रोजाना मैं शिवलिंग पूजन से बात करता हूं, तो आज भी मैंने वहीं से बात शुरू किया। लिंग थाप कर दिवत पूजा, शिव समान नहीं मोहिन दूजा। भगवान राम कहते हैं शंकर के समान मेरे लिए तो कोई प्रिय है नहीं। जो लिंग थाप यानी शिवलिंग की स्थापना करता है, भगवान कहते हैं मेरे लिए उससे प्रिय कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है, इन हाथों से शिवलिंग का दान, इन हाथों से शिव मंदिर की स्थापना, कोई मंदिर बन रहा हो तो उसमें कहीं सहयोग कर दीजिए, मनुष्य जीवन धन धन कर कर तो हो जाए। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपादिकम् अन्यथा रोग दारिद्र मुक्तानर। वेदेश्वर संहिता का बड़ा अद्भुत श्लोक है। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दाना जपादिकम्। तीर्थ में जब भी कभी जाए तो तीन काम जरूर करना, लिख लें, लिख लो आप, काम में आएगी बात। स्वयं भगवान महादेव नंदी के सामने कहते हैं उनकी ही यात्रा सार्थक होती है जो तीर्थ में जाकर तीन काम करते हैं। तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्य, तीर्थों में तीन काम जरूर करना बच्चों, ठीक बैठो। तीर्थ में जाकर के तीन काम करना, क्या क्या? तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपादिकम्। तीर्थ में जाते हैं तो या तो वहां कोई सरोवर है या कोई नदी है, भले ही आप एक महीना रहते हैं उसमें कम से कम एक दिन वहां आप स्नान जरूर कीजिए, वहां की नदी में या वहां के सरोवर में, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब आप तीर्थ में जाते हैं तो एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप स्नान न करें। बहुत दुर्मठ लोग नहाते ही कहां हैं, नहीं नहाते। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि तीर्थ में रहने वाले लोग हे नंदी तीन काम नित्य करें, एक है स्नान, एक है दान और एक है जप। जो आपके हाथ में ये मालाएं लगी हैं जो आप जप कर रहे हैं, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। जप का अर्थ होता है ईश्वर स्मरण। ज्यादा बाजार करने में मत लगे रहिए, फालतू की पंचायत में मत लगे रहिए, तीर्थ में जाएं तो हरि स्मरण, भगवान का दर्शन और जप। जप का महत्व तो ध्यान से भी ज्यादा है, जो आप जप करते हैं इसकी बहुत बड़ी महिमा। तो तीर्थ में जाएं तो तीन काम, स्नान, सूर्य उदित होने से पहले ही नहा लें, आपको कुंभ पर्व का सौभाग्य मिलेगा। जो सूर्य उदय से पहले नहा लिया जाता है उसे गंगा स्नान कहते हैं। 3 से 4:30 के बीच में स्नान कर लेते हैं उसको कुंभ स्नान कहते हैं, और सूर्य उदय से लेके घंटा 24 मिनट तक जो नहा लेते हैं उसको मानव स्नान कहते हैं, और जो 8, 9, 10, 11, 12 बजे नहाते हैं सच यही है उसको पिशाच स्नान कहते हैं। ग्रंथों में पिशाच स्नान है, रक्त स्नान है, वो नहाना वाना कुछ भी नहीं है, रक्त के खून के कुंड में गिरना है। मनुष्य स्नान सूर्य उदय के घंटा 24 मिनट के बाद तक है। 6 बजे सूर्य उदय तो होता है तो 7:15 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए हर हालत में। ये तो आप लोगों के लिए,
हम लोगों के लिए 3 बजे से लेकर के हर हालत में 5:30 बजे से पहले पहले स्नान, 3 से 4:30 कुंभ स्नान है, इसको अमृत योग कहते हैं। 3 से 4:30 के बीच में जो नहाते हैं वो रोजाना अमृत कुंड में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। उसको रोजाना अमृत कुंड में स्नान करने का फल प्राप्त होता है जो 3 से 4:30 के बीच में स्नान कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा स्नान है। 4:30 बजे से लेकर के जो सूर्य उदय होने से पहले तक स्नान कर लेते हैं उसको ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी बड़ा अद्भुत है। ऋषि उसे कहते हैं जिसको इंद्रियां उसके बस में है, ऐसा कोई जीवन जिए ऋषियां इंद्रियां उसके कंट्रोल में हो जाएंगी। ऐसा भारत है जहां स्नान शुचिता पवित्रता के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत देश हैं जहां स्त्री पुरुष रात के 12 बजे नहाते हैं, वो कोई पूजा पवित्रता के लिए नहीं नहाते, वो तो चमड़ी चमकाने के लिए। लेकिन यह संस्कृति भारत की ही धन्यवाद के प्रतीक है, जहां बिना स्नान किए कोई मंदिर में देवालय में प्रवेश नहीं करता। यहां स्नान को देव कार्य से जोड़ा गया है। यदि आपसे बन जाए तो आज की कथा में ये लेके जाइएगा, आप हर हालत में 5:30 बजे तक नहा लें। आप एकाध महीने में ही अपना परिवर्तन देखिए और उसके परिणाम देखिए। आप एक सुकून देखिए, एक शांति देखना, एक चेहरे पर नूर देखना। सूर्य उदय के पहले का स्नान, और जो 9-10 बजे जब धूप बाहर निकल के आ जाती है और तब नहाते हैं, उनका खून ऐसे खत्म होता है जैसे गरम तवे के ऊपर पानी डालते ही खत्म हो जाता है छुन छुन करके। कभी आपने गरम तवे पर पानी डाला हो तो छुन छुन करके वो खत्म हो जाता है। उन लोगों को 3 प्रकार की बीमारी होती है जो धूप में नहाते हैं, बात, पित्त और कफ। और ये जितनी भी बीमारियां हैं उनका जड़ यही है, बात। उनके शरीर का मोटापा बढ़ता है, थायराइड हो जाता है, कमर निकल जाती है इधर उधर, भोजन पचता नहीं है, बात। पित्त का अंदर का तंत्र कमजोर हो जाता है, बिल्कुल लीवर किडनी है सब काम नहीं करते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। कफ फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, पानी भर जाता है फेफड़ों में, तो फिर उसके पास बचा ही क्या है। यह तब होता है जब आप का स्नान करने का क्रम ठीक नहीं है। कोई बीमारी नहीं होगी, हम लोगों को तो बुखार आता ही नहीं है भगवान की कृपा से, क्यों टाइम से नहाते हैं इसलिए। कभी आपने सुना है हमारे बच्चों को किसी को फोन किया हो, आपने कभी सुना हो किसी ने जवाब दिया हो कि महाराज जी को बुखार आ गया है? आता ही नहीं है भगवान की कृपा से, नहीं आता, फीवर नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें जीवन जीने की एक कला प्राप्त हो गई है। जीवन कैसे जिया जाए ये सूत्र मिल गया है, प्राप्त हो गया है सूत्र। यदि आपसे बनता है तो आप भोर में सूर्य उदित होने से भले ही 10 मिनट पहले नहा लें, आप स्नान करके देखिए तो सही। नित्य स्नान करने वाला व्यक्ति हर रोज हर दिन तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त करता है। इसमें लिखा है, इस पन्ने में इसमें लिखा है, उसको रोजाना तीर्थ नहाने का फल मिलता है। जो सूर्य उदय होने से पहले नहा लेता है, स्नान कर लेता है। हम तो देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, लेकिन हर प्रातः है हमारा तीर्थ के रूप में ही होता है, क्योंकि हम भोर में जल्दी नहाते हैं। इसलिए भगवान महादेव कहते हैं, नंदी जो तीर्थ में 3 काम कर लेता है उसका जीवन धन धन हो जाता है। लेकिन तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपादिकम। 3 काम है, स्नान दान और जप। तीर्थों में रहने वाले लोगों के पास
व्यापार नहीं है, वो अपना जीवन जी रहे हैं तीर्थों में, उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। तीर्थ यात्री आते हैं, तीर्थ में रहने वाले पंडे पुजारी बानप्रस्थी लोग, कीड़े मकोड़े बंदर भालू, ये सब तीर्थ यात्रियों के ऊपर डिपेंड। मैंने वृंदावन में देखा, कोरोना काल में लोगों का आना बिल्कुल बंद हो गया, और सत्य यही है, भूख के मारे बंदर मर रहे थे बिल्कुल। सुबह ही सुबह का समय था, 20 मई थी उस दिन, मुझे आज भी ध्यान है। शास्त्री जी और ये आचार्य जी राममोहन शास्त्री जी, ये और शास्त्री दोनों ये परिक्रमा करके आए थे वृंदावन की। परिक्रमा के लिए इक्का दुक्का लोग निकलते थे, उनके लिए रोक नहीं थी इस सुबह ही। तो ये मुझे आके बोलते हैं, कहते हैं महाराज जी आश्रम के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, एक काम कर दो। मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोले कि भूख के मारे हमने अपनी आंखों के सामने बंदरों को बंदरियों को मरते देखा, इनके लिए कहीं कोई भोजन की व्यवस्था हो जाए। मैंने कहा अभी इसी समय, देर नहीं लगाई, क्विंटलों चने खरीदे, केले खरीदे, और उस दिन से लेकर के आज तक इन बंदरों की सेवा बंद नहीं है। हम यहाँ हैं, हमारा ड्राइवर पुरुषोत्तम इस सेवा में लगा हुआ है आश्रम। तो प्रकृति आशीर्वाद देती है। क्या वृंदावन में हम जैसे लोग नहीं रहते? बहुत लोग रहते हैं। आज तुलसी वन आश्रम की ग्रोथ इन सेवा कार्यों से, पूरी प्रकृति बहुत आशीर्वाद दे रही है। हजारों बंदर भोजन करता है आश्रम के माध्यम से, हजारों की संख्या में बंदरों का भोजन चलता है। फ्रूटी पीते हैं, भुने हुए चने खाते हैं, केला भरपेट खाते हैं, पूरा आनंद है। और बड़ी कृपा करी है ना, कुछ करोगे तो मिलेगा। धरती में बीज डालने पर ही क्विंटलों की फसल मिलती नहीं, कुछ नहीं। मनुष्य जीवन मिला है, तीर्थों में जाएं, देने से मन चुकी है, देते देते व्यक्ति देवता बन जाता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के द्वार नंबर 126 के नीचे सेकंड नंबर की चौपाई में बाबा तुलसी ने बड़ा अच्छा लिखा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रते मते सोहि पाकी। पाकी पवित्र, जो अपनी बुद्धि को पवित्र रखना चाहते हैं तो धन की पहली गति यही है, वह धर्म के ऊपर खर्च होना चाहिए। और आप लोग बड़े बड़भागी हैं, आपका धन सार्थक हो गया, आपका धन धर्म में लगा है। कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने पैसा कमाकर बेटियों के विवाह पर खर्च किया है। ऐसा बताते हैं कन्या के विवाह पर पैसा खर्च किया जाता है पिता के द्वारा, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल उसे तत्काल मिल जाता है। बेटी का कन्यादान विवाह करने का इतना बड़ा महत्व है, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है कन्या का हाथ पीले करने पर, उसका विवाह करने पर, उसका कन्यादान करने पर इतना बड़ा फल है। लेकिन किसी भाई ने अपने 20 नाखूनों से कमाकर, धन कमाकर अपनी बहन का विवाह किया है, उसको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बहन के ऊपर धन खर्च करना, तालियां बजाना मत बिल्कुल भी, शर्म लग जाएगी आपको, नजर लग जाएगी। धरती पर वह भाई, स्कंद पुराण से मैंने बोल दिया है, बलराम जी ने जब अपनी बहन का कन्यादान किया, सुभद्रा का, ये वहां का चैप्टर है, उस भाई का धन कृतकृत हो जाता है, बहन के लिए खर्च कर देता है। और बड़ा अच्छा होता है, बड़ा भाई होता है, बहन छोटी होती है, माता पिता उस समय बूढ़े हो गए होते हैं, जिम्मेवारी उसी पर आ गई होती है, और वो पैसा कमा करके अपनी अनुजा छोटी बहनों का विवाह करता है, कोई पुण्य नहीं है इसके सामने।
जो गिरे हुए बुद्धि दिमाग के हैं वो तो मम्मी पापा से लड़ते हैं, कहते हम अपने बच्चों के लिए क्या करें, हम तो तुम्हारी औलाद का भरण पोषण कर रहे हैं, वो ऐसा भी बोल देते हैं। जितने भी भाई लोग मुझे सुन पा रहे हों, कभी तुम्हें भतई बनने का मौका मिले, भगवान सांवरिया सेठ को हजारों बार प्रणाम करना। जिस समय तुम बहन के यहाँ भात भरने के लिए जाते हो, ये प्रकृति तुम्हें सांवरिया सेठ के रूप में देखती है। भाग्य की सराहना करना कि तुम इस धरती के भगवान की तरह भगवान बहन के यहाँ भात भरने को जा रहे हो। ये धरती पर एक सच्ची प्रीति तो बहन और भाई की ही है, इतना पवित्र रिश्ता है। विदाता ब्रह्मा अतिशय प्रसन्न हुए उस दिन जिस दिन यह रचना की धरती पर। बहन भी वह है जिसको अपने पति से ज्यादा भरोसा अपने भाई के ऊपर होता है। और एक बात मेरी लिख लेना, जीवन में पति धोखा दे सकता है लेकिन जिंदगी में भाई ऐसा है, भाई कभी बहन को धोखा नहीं देगा। रावण में खूबी थी, अपनी बहन के लिए राम से लड़ गया, पूरे कुंबे को समर्पित कर दिया, उसने बहन को धोखा नहीं दिया। भाई है ही ऐसा, पति दे सकता है। पांच पांडव सामने बैठे, द्रौपदी चीख रही है, पांच पांडव सहयोगी नहीं बने श्री कृष्ण द्वारका वारे, भगवान गोविंद द्रौपदी ने जिसे भाई बनाया। साड़ी विच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है, वसन रूप भाई श्याम। बहन और भाई का रिश्ता ही इतना अद्भुत है। एक बार मैं पुनः प्रसंग में आपको लेकर के आ रहा हूं और यह कहता हुआ कि तीर्थ में जरूर जाएं, डेढ़ महीना तो साल में तीर्थ में ही निकालें, जो जो 60-50 के नीचे के हैं वो डेढ़ महीना तीर्थ में निकालें, जो 60 साल के ऊपर के हैं वो 10.5 महीना तीर्थ में निकालें। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, वानप्रस्थ जीवन जी रहे हो, सब जिम्मेवारियां, बेटियां भी ससुराल पहुंच गई, बच्चों को भी बच्चे हो गए, अब घर की लपसी मत खाओ, तीर्थों में रहो। 10.5 महीना उनके लिए तीर्थ है। कभी याद घर परिवार की आवे तो 45 दिन घूम घाम के आ जाओ, फिर तीर्थ में पहुंच जाओ, अंतिम श्वास तीर्थ में निकले। और पहले ऐसा ही होता था। जिनके अभी बच्चे कामयाब नहीं हो पाए हैं, नौकरी चाकरी से लगे नहीं है, बेटियां अभी ससुराल पहुंची नहीं है, 45 दिन एक वर्ष में उनके लिए भी तीर्थ बताया। तीर्थ का मतलब है जो हमें तारता है। तीर्थ एक जहाज की तरह, मैंने वाल्मीकि रामायण वृंदावन से कही थी कोरोना काल के आरंभ में, बहुत व्याख्यान हुआ इसके। तीर्थ का मतलब है जो हमें तारने में बिल्कुल सहायक है। तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखिए, तीर्थों को गंदीला ना करें, चाहे जहां जो चाहे जो चीज खा पी करके फेंक दें, नहीं, ये भगवत अपराध है। तीर्थ में किया गया सदकर्म अनंत गुणा फलदायी होता है, अक्षय हो जाता है, तो तीर्थों में किया गया पाप भी तो वज्र की तरह हो जाता है। दुनिया के हर कोने का किया गया पाप तीर्थ में कट जाता है, लेकिन तीर्थ में किया गया अपराध कहीं भी नहीं कटता, कहीं भी नहीं धुलता। इसलिए तो तीर्थ में बहुत सावधान रह करके जीवन जीने की जरूरत है। कितनी भी गलत आदत लगी हो, तीर्थ में कभी शराब मत पीना, तीर्थ में जुआ मत खाना, मांस मदरा तीर्थ में बिल्कुल भी नहीं, खोटे काम मत करना तीर्थ में, बिल्कुल विषैले काम मत करना तीर्थ में, जीवन खत्म हो जाएगा, बनेगा नहीं कैसे। भगवान शंकर यही तो बताते हैं, कहते हैं तीर्थे क्षेत्रे तथा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्यमुक्तादापयानर। जो तीर्थ में जप नहीं करते, धर्म पुण्य नहीं करते, स्नान नहीं करते तीर्थ में, दान नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, शंकर कहते हैं कि हे नंदी, वह लोग रोग और दरिद्रता से बच नहीं सकते, उन्हें बीमारी फैलेगी और कंगाल बनकर जीवन जिएंगे। तीर्थों में सदकर्म ना किया जाए, अच्छे काम ना किए जाए। तीर्थों में यदि अपराध होता है तो मौत तो बिगड़ती है, लेकिन दो चीजें आ जाती हैं उस स्त्री पुरुष के पास, एक रोग और एक गरीबी। ये मैं सब बातें प्रमाणित कह रहा हूं, यदि मेरी बात गलत है तो कोई काट के बताए फिर। हाँ, यदि मैं प्रमाणित नहीं कह रहा हूं तो ये भी तो मैं बोलता हूं, कोई बोले तो सही कि तुमने ये गलत बात बोल दी है, प्रमाणित बात नहीं है।
मैंने तो गंगाजल ही लेकर के कसम खाई है, बिना प्रमाण के मैं पवित्र व्यासपीठ से कोई अपनी मन मुताबिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लोगों को कंफ्यूज में नहीं डालूंगा। कल हमने एक वीडियो डाली, शंकर पर तुलसी चढ़ती है, लोगों ने इतनी बड़ाई, इतनी प्रशंसा की है, अच्छे अच्छे वक्ताओं के मैसेज आए मेरे पास। जब उन्होंने वो श्लोक की कटिंग और उसका अर्थ पढ़ा है, उन्होंने मुझे धन्यवाद भेजा है। कल ही वीडियो डाली है कि शंकर को तुलसी चढ़ाने से मृत्यु लोक में सुख और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, तो उसका श्लोक और उसके नीचे अर्थ लिख के भेजा, विरोधी कोई नहीं मिला। यदि किसी ने एक भी मैसेज लिखा हो कि तुमने कैसे, वो लिखेगा कैसे, प्रमाण तो हमने वीडियो के संग ही भेजा है, उसकी फोटो खींच करके। तो इस व्यासपीठ से बिना प्रमाण के कोई बात होगी ही नहीं। हम लोगों के साथ पूरा देश जुड़ा है, हमारे ऊपर विश्वास किया है, लोग हमें पूछ के एकादशी करते हैं, लोग हमें पूछ करके प्रदोष करते हैं, उनको पता है कि यहां से जवाब ठीक मिलेगा। तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हमें समाज को कंफ्यूज नहीं करना, जो बात है वह हकीकत बोलिए। वैसे ही तुलसी घरों में नहीं मिल रही है, तुम्हें ये और कह दोगे देवताओं को नहीं चढ़ती तो बेचारी तुलसी कहां जाएगी। वैसे तो यज्ञ करके तो अब अश्वमेध यज्ञ और आयसु यज्ञ तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम करके ही लिखा है। जो कोई स्वर्ण दान का कितना बड़ा महत्व है, इतनी महंगाई में सोना कहां से आएगा। तो पद्म पुराण में लिखा है कि सुबह ही सुबह तुलसी का दर्शन बंदन परिक्रमा, उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दो तो मैं 50 किलो सोने का दान करने का पुण्य मिल जाता है। ऐसे तुलसी तो बचेगी, और जहां तुलसी होती है उस घर में कोई दोष नहीं होता। मत्स्य पुराण में लिखा है जिसके आंगन में तुलसी पूजती है उस घर में पितृदोष गायब हो जाता है, उस घर में पितृदोष, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। तो तुलसी को बंधन हो, प्रार्थना हो तुलसी। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। तो बड़ा आग्रह पूर्वक मैं निवेदन कर रहा हूं मैं आपको, तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम। जब भी आप तीर्थ में जाएं तो तीन चार चीजें वो लेके जाएं, अपनी लेके जाएं, फ्री फंड की ना चाहे। एक अपना आसन, छोटा 1.5x1.5 का या 2x2 का आसन, जिसको घर ही करके आराम से हमारी तरह थैला में रख लो। हम रेल में, हवाई जहाज में, देश में, प्रदेश में, कहीं भी आसन संग चलता। भजन का अपना एक आसन, एक पंचपात्र, एक माला झोली और एक माथे पर लगाने के लिए रोली तिलक, चंदन रोली जो भी लगाते हैं। और भी कर लो तो इतना बड़ा पीतल का देवला, इतना बड़ा, एक पैकेट रोई, एक माचिस और एक डिब्बी घी, और इतना बड़ा तांबे का लोटा सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, पूजा के लिए। पंचपात्र तो रखिए ही, छोटा सा इतना बड़ा पंचपात्र रख लो, इतनी बड़ी लुटिया रख लो। भगवान सूर्य को हम अर्घ दें तो जल की मात्रा 1.25 किलो, 1.25 शेर पानी होना चाहिए। आप इतनी बड़ी गिलसिया में देते हैं, यह भी विधान है। सूर्य भगवान को जब हम अर्घ दें तो 5 पौआ जल। देवताओं को मंदिर में भोग लगाएं, शंकर को विशेष रूप से भोग लगाएं, तो इसमें 5 पौआ भोग यानी 1.25 शेर भोग और ऊपर 1.25 रुपया, ये सब चीजें लिखी हैं। हमारे वृद्ध लोग बड़े होशियार होते थे गुरु की। अब आप कहोगे ये बढ़िया, महाराज जी ने बात बता दी, अब 100 रुपया चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, 1.25 रुपया चढ़ाएंगे। लेकिन 1.25 रुपया ये वाला नहीं, 1.25 रुपया चांदी का जितना मूल्य बनता हो उतना चढ़ाइए। ये ठुपड़िया नहीं था उस समय, चांदी का चलता था, सोने का चलता था। यदि 1.25 रुपया लेके चल रहे हो तो 1.25 रुपया चांदी का जो मूल्य हो वो उतना, बात तो तभी सही मानी जाएगी। तो ये ठुपड़िया तो नहीं था उस समय, चांदी का था। तो अब 1.25 रुपया का कितना हो जाएगा चांदी का मूल्य, वो आप हिसाब गुणा भाग लगाते रहिए। कथाएं बड़ा आनंद देती है,
और ऐसा सूत्र देती हैं कि जीवन बिल्कुल एकदम बन जाए, बदल जाए। तो जब तीर्थ में आप जाएं तो इतनी चीजें लेकर के जाएं, और एक ही बार तो आपको बनाने की जरूरत है। मेरी बात मान लोगे, फायदे में रहोगे, घाटा कुछ नहीं होगा, और घाटा हो जाए तो फाइन लगा देना मेरे ऊपर, चाहे जितना। मेरे पास तो है नहीं कुछ फाइन देने के लिए, लेकिन हनुमान जी लगने ही नहीं देंगे, मुझे ये भी पता है। ये चीजें आप अपने साथ लेके तीर्थों का आनंद लीजिए। ऐसे नहीं भागते 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 चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई, जीवन भर भागते कब तक भागोगे? थोड़ा चैन से बैठिए। आज ही आए सुबह 8:30 बजे उतरेगा महाराज जी, शाम 6 बजे गाड़ी। हमने कहा आई क्यों, थे घर ही रहते। थोड़ा चैन भी पकड़िए। जीवन भर तो हो गया तुम्हें भागते भागते, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए, आदमी बूढ़ा हो गया, तुम भी पोपली हो गई, बत्ती सी टपक गई, कमर तीर कमान की तरह झुक गई, तो भी भागने से अभी बंद नहीं हो। चुप होके बैठ जाओ आराम से, नागपंचमी यहीं की कर लो, काल रूपी सांप नहीं खाएगा, नागपंचमी यहीं की कर लो, महाकाल की। दुनिया में नागपंचमी मनाई जाती है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर तो उज्जैन में ही होते हैं, वर्ष में एक बार जिसका कपाट खुलता। तीर्थ में आह तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य, स्नान दान जपादिकं अन्यथा रोग दारिद्र मुक्ता दापिया नर। जलाशयों में जो बाथरूम करते हैं, मलमूत्र विसर्जित करते हैं, शिव महापुराण में लिखा है ऐसे लोग गूंगे और बहरे बन के पैदा होते हैं। इसलिए नदियों को गंदगी से बचाइए, नाभि के नीचे का वस्त्र नदियों में मत धोइए। शंकर की आवाज है ये, नदियां देवताओं को बहुत प्रिय है। नदियां देवताओं को प्रिय नहीं होती तो कन्हैया यमुना के किनारे, राम सरयू के किनारे और महादेव गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे वास नहीं करते। इनको नदियां प्रिय हैं। इसलिए तो वो बोल रहे हैं नदियों को बचा लो कैसे। नदियां सूख जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा। ये वर्षा कहां से होती है? नदियों में जल है तभी तो होती है। चार मेघ हैं, वो चार मेघ नदियों से पानी उठाते हैं, नदियों से उठा करके फिर बरसा देते हैं जल को, पानी को नीचे गिरा देते हैं। नदियां ना होंगी तो वर्षा कम हो जाएगी, आदमी भूखा प्यासा सब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए नदियों की गरमा बना करके रखें। नदियों के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा हो। नदियों में दीपदान करने से खानदान परिवार की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। नदियों को चुनरी उड़ाने से घर की भाग्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी बढ़ती है, वैभव बढ़ता है घर का, सुख बढ़ता है घर में, आनंद बढ़ता है घर में, चुनरी नदियों को उड़ाने से, दीपदान करने से। आप यहां आए हैं, यही माता छिपरा बह रही है, पानी में नीचे उतरना मत, गहरा है पानी। संध्या काल में एक दिया जला के आ जाया करो। नदियां बड़ी अद्भुत हैं। तो तीन बातें आप लिख लो, एक तो स्नान, सब नहा के आए हैं कि कुछ बिना नहाए भी आए हैं? ये मैया बिना नहा के आई है? ये हाथ नहाने वालों के उठ रहे हैं कि बिना नहाने वालों के? अच्छा, बिना नहाने वालों के, कोई बात नहीं, आज नहा के नहीं आए तो कल से नहाते रहिए रोज। अच्छा, नहा के आए। तीर्थ में एक भी दिन बिना स्नान किए न रहे। दूसरी बात, तीर्थ में जप करें, और तीसरी बात तीर्थ में दान पुण्य करें। तीनों बात लिखी है। स्वर्णक्षियों ने सूर्य को पूछा यदि ना करेंगे तो कह दिया अन्यथा रोग दारिद्र मूकत्वा व्यापिया नर। यदि ऐसा ना करोगे तो रोगी और दरिद्र और गूंगे बहरे बनने को तैयार हो जाएं। फिर
तीर्थों में ताप प्रताप संताप हाल ही कटते हैं, देर नहीं लगती। जैसे वाशिंग मशीन में कपड़ा डाल देते हो, वाशिंग मशीन में कपड़े कभी धोए हैं आपने? वाशिंग मशीन में उसका स्विच बिजली के बोर्ड से जोड़ दिया जाता है, पहले इसमें पानी भर देते हैं, फिर कोई क्वालिटी का पाउडर डाल देते हैं, फिर उसमें कपड़ा डाल देते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं, एक उसमें पाइप नाली सी लगी होती है, वो पंखा उसका घूमता रहता है और मैल कट कट के बाहर निकलता रहता है। ऐसा ही तो होता है, जीवन भी बिल्कुल वाशिंग मशीन की तरह है। इसमें श्रद्धा का जल डालिए, विश्वास का पाउडर छोड़ दीजिए, बुद्धि रूपी वस्त्र को डाल दें इसमें। डाल दिया? कभी नहीं डाला। श्रद्धा का जल भरें और इसमें विश्वास का पाउडर डाल दें, तत्पश्चात बुद्धि रूपी वस्त्र को छोड़ दें इसमें और धर्म रूपी स्विच ऑन कर दें तो पाप रूपी मैल कट कट के बाहर निकल जाएगा, जीवन चमक जाएगा, हम निष्पाप हो जाएंगे। निष्पाप किसे कहते हैं? जिसके अंदर पाप है ही नहीं। तो उसके लिए तीर्थ हमारे लिए एक बड़े सहायक बन रहे हैं। तो तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपादिकम, जब जब भी हमारी तीर्थ में कथा हो तब तब दान पुण्य जरूर करना और हमारे लिए ताली जरूर बजाना, क्योंकि आपके धन को धर्म में लगाया जा रहा है और उसका अनंत गुणा फल दिलवाया जा रहा है उसको। भले आप एक रुपए का सहयोग करें, अब तो मुझे ध्यान लग गया है, अब एक रुपया आप चांदी का समझोगे, ये लोहे वाला नहीं समझोगे। भले आप एक रुपए का सहयोग करें, लेकिन जब जब तीर्थ में कथा होती है तब तब आप अवश्य में सहयोगी बने। वो जैन जैसे महातीर्थ में सप्तपुरियों में नाम जहां कुंभ लगता है, 17 तारीख से नासिक में आयोजन है, जहां राम जी पहुंचे, रामघाट पर स्नान किया, सुपर्णखा नाक कटा के चली गई, भगवान त्रंबकनाथ जहां बैठे हुए हैं, 12 वर्ष के बाद जहां कुंभ का महापर्व लगता है, राम जी के यात्रा काल का अद्भुत स्थान है और भगवान की कृपा से अगले ज्योतिर्लिंग का दर्शन यहां भी होगा और ऐसे अद्भुत महारुद्राभिषेक होगा। वहां भी जितने भी मराठी भाई बहन हैं आप जरूर आइए, महाराष्ट्र गुजरात और MP भी, मध्य प्रदेश भी जुड़ा ही है, आप भी पहुंच सकें जरूर पहुंचिए नासिक में, बहुत आनंद लेंगे, अद्भुत आनंद आवेगा, अच्छा लगेगा, पूरा आनंद होगा। नासिक में है अगला कार्यक्रम। एक बार फिर मैं आपको निवेदन कर दूंगा, अभी बीच में एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या लिखा है? क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूषुरा, पुण्यक्षेत्रे निवासे ही पापमन्वपिनाचरेत्। कहा कि जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करके अपना जीवन जीता है वह अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ी भूल कर रहा है, इसलिए पवित्र क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग थोड़ा सा भी पाप ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ऐसा लिखा, बिल्कुल पाप ना करें। जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करने का जैसे भी मौका मिले, अब इसमें लिखा है बहन के माध्यम से, पति के माध्यम से, बेटों के माध्यम से। मान लिया जाए आपका बेटा किसी तीर्थ में नौकरी करता है, यह आपका बहुत बड़ा पुण्य है और इस मौके को ऐसे ही मत जाने दीजिए, साल में एक आध महीने उसके पास जाइए। बहुतों के बच्चे भुवनेश्वर में रहते हैं, वहां से पुरी जगन्नाथ बिल्कुल नजदीक है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जगन्नाथपुरी में किया गया जो सदकर्म है, हर समय पुरुषोत्तम मास का यानी अधिक मास का फल प्रदानित करता है, इसलिए तो उसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। स्कंद पुराण में बड़ा बर्डन है।